नाज़रीन, इस वक्त हम हैदराबाद के पुराने शहर के मशहूर मार्केट पत्थरगट्टी पे मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर माह मुबारक रमज़ान के मौके पर फुटपाथ पर और ठेला बंडी पर कारोबार करने वालों की काफ़ी कसीर तादाद है, जो इस माह मुबारक रमज़ान में ईद के मौके पर जो ख़रीदार आते हैं उस वक्त कारोबार के लिए कर्ज़ा लेते हुए और या इंटरेस्ट पर पैसा लेते हुए ये सामान खरीद कर लाते हैं। इस साल माह मुबारक रमज़ान की 3-4 तारीख तक भी हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा और कर्फ्यू भी नहीं किया जाएगा। ये देखते हुए यहाँ के छोटे कारोबारी कर्ज लेते हुए या इंटरेस्ट पर पैसा लेते हुए माल लाए हैं, लेकिन अचानक हुकूमत की जानिब से नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद रात 9 बजे बाज़ार बंद कर दिए जा रहे हैं, जिसके सबब यहाँ के जो छोटे कारोबारी हैं उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बड़े ताजरीन तो जो सामान खरीदते हैं उन्हें साइड दी जाती है और वो बाद में भी अपना सामान बेच सकते हैं, लेकिन छोटे कारोबारी जो कर्ज़ लेकर इस वक्त यहाँ पत्थरगट्टी पर मौजूद है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर क्या कारोबार 9 बजे क्योंकि कर्फ्यू हो रहा है तो कैसा है आप लोग? कुछ अभी तक तो कारोबार कुछ भी नहीं है, सब लोग बैठे हुए हैं। 8 बजे से अब सब बंद कर देते हम लोग, और कारोबार तो नाम को नहीं है। आप लोग देख सकते हैं रोड तो सन्नाटा। ये टाइम ऐसा था जो ये अगले साल छोड़ के वो साल बहुत घिच रहता था रमज़ान में, अब तो नहीं है कुछ भी कारोबार। अमूमन यहाँ पर जो कारोबारी आते हैं वो क्या वक्त पे आते हैं, दिन के औकात में आते हैं? ये सुबह शाम पूरा पब्लिक रहती है रमज़ान में, घिच रहता है यहाँ पे, मगर वो नहीं है वो। नहीं, रमज़ान में इफ्तार के बाद अमूमन यहाँ पर कारोबार होता है। अब जो नाइट का जो लॉकडाउन है, मेन नाइट का ही कारोबार था हम लोग का। इफ्तार के बाद जो ज़्यादा लोग है इफ्तार के बाद ही निकलते थे। सुबह में तो कोई भी नहीं आता, धूप की वजह से रोज़े रहते, रोज़ा खोले बाद ही आवाम निकलती बाहर। अब वो नाइट का ही लॉकडाउन लगा दिए और कारोबार के टाइम पे हम लोग दुकान बंद करके घर को चले आ रहे हैं कारोबार के टाइम पे। अब दिन भर खाली खोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वही काम हो जा रहा। रात का कारोबार है हमारा, अभी रात का ही लॉकडाउन लगा दिए, कुछ भी नहीं है। कर्ज लेकर लोग या इंटरेस्ट पर पैसे लेकर लोग सामान लाते हैं रमज़ान के लिए, जो माल डालते हैं कर्ज लेकर ही आते हैं। सब घर से तो नहीं लाते ना, मार्केट से खर्चा लेते, मार्केट में माल खरीदते, मार्केट में रखते। अब हम लोग क्या करें समझ में नहीं आ रहा। खर्चा तो ले लिए, माल तो ला लिए, कारोबार तो नहीं है। रात का लॉकडाउन होगा, अब पहले रोज़े से भी नहीं हुआ, 4-5 रोज़े में हुआ, हमारे को नहीं मालूम था। हम लोग कर्ज भी ले लिए, माल भी ला लिए, परेशान तो हम हुए ना। ऐसा कारोबार तो कुछ भी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी दुकानें हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, फुटपाथ पर काफ़ी दुकानें लगे हैं, जो ठेला बंडी पर कारोबार करते हैं वो लोग भी मौजूद हैं। इनका कहना है कि कर्ज लेकर इन्होंने ये माल जो है बेचने के लिए लाया था, लेकिन इस वक्त नाइट कर्फ्यू के सबब यहाँ पर कारोबार नहीं है, बाज़ार 8 बजे बंद करना पड़ रहा है। यहाँ पर खसूसी बात हम ये बताते चले आपको, इस ये मार्केट जो मदीना मार्केट है और या पत्थरगट्टी पे मार्केट है, ये खुलता ही दिन के 11 बजे है, और रमज़ान में चूँकि कई एक लोग रोज़ा रहते हैं तो रोज़े में इस चिलचिलाती धूप में आकर यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त करना ये नामुमकिन में से, इसलिए अक्सर यहाँ पर जो कारोबार होता है वो रोज़ा खोलने के बाद यानी बाद मगरिब के ही यहाँ पर कारोबार होता है। लेकिन 9 बजे से कर्फ्यू का ऐलान और 8 बजे दुकान बंद करने के ऐलान के सबब यहाँ के जो छोटे ताजरीन हैं वो कई एक मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि उनके इस मुसीबत को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम 1 मई के बाद इस कर्फ्यू को ख़त्म किया जाए, क्योंकि उस वक्त क्या हालात होते हैं कहा नहीं जा सकता। अभी हैदराबाद में जो केसेस बढ़ रहे हैं, जैसा कि देखते देखते आज 1000 के करीब COVID-19 केसेस यहाँ पर आ चुके हैं, तो अगर ये मज़ीद बढ़ते हैं तो हो सकता है कि हुकूमत की जानिब से कर्फ्यू की जो 1 मई तक कहा गया है उसके और आगे बढ़ाएं। लेकिन ये ताजरीन चाहते हैं, जो कि रमज़ान का मौका है और कर्ज़ का बोझ उनके सर पर है, तो ये देखते हुए रात में कारोबार के लिए उन्हें वक्त दिया जाए। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या इस पर एक्शन लेती है या इन्हें छूट देती है कि कारोबार करें।